प्रणाम सुंदर साहब जी, पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 31 की 60 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साहब जी, अगर आपको यह वाणी और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। और सुंदर साहब जी, जो भी सुंदर साहब आपके साथ जुड़े हुए हों, उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साहब जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ए सुध सगली लई करी वाले कहो सर्वसार, बीजा ने ए कोहेड़ा नवलाधे बार। इसी श्रीमद्भागवत का संपूर्ण विवरण लेकर निजानंद स्वामी सतगुरु धनी ने हमें संपूर्ण सार कहा। दूसरे जीव सृष्टि लोगों के लिए यह उलझन के समान है, इसलिए उन्हें बेहद भूमि के द्वार नहीं मिलते हैं। बीजा सु जाने बापड़ा जेनो होयते जाने, अमविना बाहर बेहद तना बीजो कोण उघाड़े। संसार के बेचारे अन्य जीव इस बेहद का विवरण किस प्रकार जान सके। जिन आत्माओं का यह पत्र है, वे ही इसका विवरण जान सकते हैं। इसीलिए हमारे बिना अखंड बेहद भूमि का द्वार दूसरा कौन खोल सकता है। लाख वार जुए फरी एक कड़ी नव लाधे, ब्रह्मांड ना धनियों माहे पग मुकता बांधे। यदि संसारी जीव इस भागवत को लाखों बार पढ़े तो भी इसकी एक पंक्ति का रहस्य प्राप्त नहीं कर सकते। वस्तुतः ब्रह्मांड के धनी भी इस संसार में अवतार लेते ही सांसारिक सुख दुख में बंध जाते हैं। एरे कोहेड़ो हद तनो बेहदी समाचार, अमे देखाड़ू पादरा बेहद ना बार। यह श्रीमद् भागवत जीव सृष्टि के लिए उलझन और अंधकार के समान है, तथा बेहदी यानी ईश्वरी सृष्टि एवं ब्रह्म सृष्टि के लिए समाचार पत्र के समान है। अब मैं बेहद के दरवाजे को श्रीमद् भागवत द्वारा सीधी रीति से दिखाता हूँ। सुख जीनी वाणी सुहामणी ज्योत बेहद लावी, फेर टालो तमे माहेलो जुवो आँख उघाड़ी। सुखदेव मुनि की यह वाणी अत्यंत सुंदर है। इसमें बेहद भूमि का अखंड तेज समाहित है। इसे देखकर तुम अंतर के ब्रह्म को दूर करो और आत्मदृष्टि खोलकर देखो। अस्कंध बीजो मुनिये कहो चत्र श्लोकी जाहे, ब्रह्मांड निजी हाँ उत्पन्न अर्थ जुवो ताहे। सुखदेव मुनि द्वारा गाए गए श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में नवम अध्याय के 32वें 35 तक के श्लोकों को चतुश्लोकी भागवत कहा गया है, जिसमें भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का ज्ञान दिया है। इसका अर्थात यथार्थ देखो और समझो। दिसे छे द्वार पाधरो बेहद नो बार, इंडा ने कह्यूं सुपन सुपन संसार। उपर्युक्त चतुश्लोकी भागवत के मूल सिद्धांतों द्वारा बेहद भूमि का द्वार सीधा दिखाई देता है। वहाँ इस ब्रह्मांड को स्वप्न कहा है और पूरे संसार को भी स्वप्न कहा है। बेहद घरनी वाटड़ी बेहदी जाने, हदनो जीव बेहदना बार के म उघाड़े। बेहद भूमि के अखंड घर का मार्ग बेहद भूमि परमधाम में रहने वाले ही जानते हैं। हद भूमि के जीव बेहद के द्वार किस प्रकार खोल सकते हैं। बार उघाड़वा दौड़ियो सुख जी सपराणो,
साथे परिखित चालियो तेता भारे जंपाणो। अखंड द्वार को खोलने के लिए सुखदेव मुनि ने दौड़ लगाई परंतु फंस गए, क्योंकि राजा परीक्षित उनके साथ चल रहे थे। इसीलिए सुखदेव जी उनके भार से दब गए, अर्थात परीक्षित के प्रश्न के कारण वे राज का सुख नहीं ले सके। बल की धू बलिए घणो द्वार द्वार पछटाणो, साथे संगाती हद तणो तेता पाछल तणाणो। सुखदेव जी ने बेहद भूमि का वर्णन करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, किंतु स्थान स्थान पर ठोकरें खानी पड़ी। उनके साथ में हद ब्रह्मांड के सहचर परीक्षित थे, इसीलिए वे पीछे खींचे गए। रास तणो सुख सागर तेतो नव कहवाणो, पाछल ताण थई घणी अधवचे लेवाणो। रास का सुख तो सागर के समान है, सुखदेव जी द्वारा उसका ठीक से वर्णन नहीं हो पाया। परीक्षित के प्रश्न से ध्यान भंग हो जाने पर वे बीच में ही रह गए। पात्र बिना रस के म रहे आव तो ढोलाणो, पात्र होता ते पामिया रस इहा बंधाणो। योग्य पात्र के बिना रस कैसे टिक सकता है, इसीलिए आ रहा प्रवाह बहा भी गया। ब्रह्मात्माएं इसके योग्य पात्र थी, उन्होंने इस अखंड रस को प्राप्त किया और वह रस उनके हृदय में समाहित हुआ। ए रस वर्ष अस एसी लगे सारी पेरे सचवाणो, लीधो पीधो साथ मा वखतो वखत वह चाणो। यह ब्रह्मरस 80 वर्ष तक सुंदर सात के बीच सुरक्षित रहा। सुंदर सात ने उसे लिया पिया और समय समय पर परस्पर वितरित भी किया। एक टीपू ते बाहर न निकलियू साथ माहे समाणो, जेनो हतो तेणे माणियो माहो माहे गंठाणो। बेहद वाणी का यह रस ब्रह्म सृष्टि के अतिरिक्त अन्य किसी को बूंद मात्र भी प्राप्त नहीं हुआ, मात्र सुंदर साथ में ही समाहित हुआ। जिनके लिए यह था उन्हें ही इसका अनुभव किया। सुंदर साथ के समुदाय में ही यह व्याप्त रहा। ए रसवाणी अमतणी आही आवी छलकाणो, छोल आवी जेम सागर रस तो प्रगटाणो। बेहद वाणी का यह रस हमारे पास आने पर छलकाया और सागर की लहरों की भांति व्यक्त होकर बाहर बहने लगा। जोर की धू घणुए आमे रस के में न रखाणो, प्रगट था से पाधरो रस बाहर न खाणो। हमने उसे रोकने के लिए कई प्रयत्न किए, परंतु यह प्रेम रस किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सका। अब यह ब्रह्म अखंड वाणी का प्रेम रस अपनी सीमा से बाहर निकल आया है, इसीलिए समग्र विश्व में स्पष्ट रूप से प्रकट होगा। ए रस आज ना दिन लगे क्या है न कलाणो, लीला राखवा पाछल जान होय ते जानो। इस प्रेम रस को विश्व में आज तक कोई भी नहीं जान सका। यह बेहद लीला बाद में आने वाले सुंदर साथ के लाभ के लिए रखी गई है। जिन्हें इसे पहचान कर जानकारी प्राप्त करनी हो वे कर ले। साथ एणी पेरे आवसे एणे रसे तणाणो, वचन सर्वे सांभली आवसे बंधाणो। समस्त सुंदर साथ इसी प्रेम रस को ग्रहण करके परम धाम आएंगे। इस प्रेम रस की डोरी से खींचकर और इस अखंड वाणी के वचनों का श्रवण करके प्रेम के बंधनों में बंधे हुए वे
परम धाम आएंगे। ए वाणी बेहद प्रगटी इंद्रावती मुख धनी विधे ए रस पिए बेहद ने सुख। यह बेहद वाणी इस संसार में इंद्रावती के मुख से प्रकट हुई है। सुंदर सात ने अलग अलग प्रकार से इस रस को ग्रहण किया और इसका पान कर बेहद भूमि के असीम सुख का अनुभव किया। ए वाणी ने कारणे घणे तपस्या की धी ए वाणी ने कारणे घणे अगनज पी धी। इस बृहद वाणी की प्राप्ति के लिए कई लोगों ने कठोर तपस्या की और इस अखंड प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए पंचाग्नि में तप किया। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 31 की 80 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट चौपाइयाँ लेंगे। प्रणाम जी।